अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 233 चैप्टर नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जी। तो अभी हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला ही है। तो क्वेश्चन 14 है, राइट फॉर्मूला टू फाइंड मीडियन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ग्रुप डाटा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमने मीडियन का फॉर्मूला लिखना है। मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ, इसके ऊपर इस तरह से कर्व सी बनी होती है, ठीक हो गया। और इसका फॉर्मूला सुनते जाइएगा, जो वैल्यूज होती है ना उसको समझें। ये एल आपकी होती है लोअर क्लास बाउंड्री, एल क्या होती है लोअर क्लास बाउंड्री, प्लस आपके पास ये उसी क्लास की बाउंड्री का डिफरेंस होता है अपर माइनस लोअर क्लास जो है माइनस करके, और डिवाइड बाय ये आपके पास उसी के अंदर जो सिलेक्टेड रो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और साथ आपके पास ये एन ऑफ आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है। एन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उन सबको टोटल काउंट करें तो एन बन जाएगी, और डिवाइड बाय आपके पास 2 आएगा क्योंकि हमने हाफ लेना होता है, और माइनस भी। अब हमें क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी निकालती हैं सीएफ, तो वो हमारी जो उसी रो की जो अपर फ्रीक्वेंसी होती है ना सीएफ की, वो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो भी हमने यहाँ पे लिखनी होती है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, फिर से सुन लें। एल आपकी लोअर क्लास बाउंड्री है, एच आपके पास डिफरेंस ऑफ क्लास बाउंड्री है, एफ आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है उसी बाउंड्री के अंदर, और एन आपके पास होता है सम फ्रीक्वेंसी, और सी आपकी होती है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो सिलेक्टेड रो के अबव वाली होती है। सही हो गया। तो इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।